तो दोस्तों आ गए आप लोग। आज आप लोगों के लिए इतना खतरनाक काला जादू है कि आप देखते ही रह जाएंगे। देखो मैंने एक हवन का यज्ञ बना रखा है आप लोगों के सामने, एक छोटी साइज का। ये नीचे मिट्टी है और ऊपर मैंने लकड़ियां जो है लगा रखी है। जैसे तांत्रिक बाबा लोग हवन करते हैं, हम उसी प्रकार से हवन करेंगे, एक काला जादू करेंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक बाउल पे जो है शुद्ध घी है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हवन में घी डालना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग शुद्ध घी मेरे पास है और ये मेरे पास लकड़ियों का मैंने हवन बना रखा है। हम इस पे अपना मंत्र फूंकते हैं, अपना काला जादू लगाएंगे और आप लोग देखना हवन की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएगी आप लोगों के सामने। कोई लाइटर कोई माचिस हम यूज नहीं करेंगे दोस्तों। चलो आहुति देना शुरू करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय भ्यो नमो नमः। 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 ओम काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चा न जाए खाली, दोनों हाथ से बजाए ताली स्वाहा। ओम भट स्वाहा। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, यहां की जो अग्नि प्रज्वलित हुई है वो हमारे जादू से हुई है, काले जादू से हुई है आप लोगों के सामने। हमने जैसे ही घी की आहुति इसमें डाली तो ये जलना स्टार्ट हो गया था, है ना दोस्तों। काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग ये काला जादू आप बोल सकते हो। तांत्रिक लोग इसे दिखाते हैं और हम लोगों का चूतिया काटते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तांत्रिक लोगों की ये जो ट्रिक है ये मैं आपको बता दूंगा, अभी बता इसका पर्दा भी फास्ट करूंगा कि कैसे एक आहुति से ही हमारा जो है ये यज्ञ जल गया था, है ना दोस्तों। हमने कोई लाइटर माचिस का यूज बिल्कुल भी नहीं किया, बस घी की आहुति जैसे ही यज्ञ में डाली तो वो प्रज्वलित आग जो है हो गई थी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको सीखना है तो वीडियो पे बने रहें, अभी मैं इसका ट्रिक एंड ट्यूटोरियल आगे आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नए चैनल की लिंक है पहाड़ी लाइफ स्टाइल, वहाँ पर जाके अपना प्यार एंड सपोर्ट हमें ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको इस मैजिक के ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पे। सो दोस्तों इस जादू का जो ये काला जादू है इसका ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक प्रकार का केमिकल है और ये आपको अपने आसपास किसी भी बड़े मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए ग्रिसलीन, ये भी आपको मेडिकल स्टोर पे ही मिल जाएगी। पोटेशियम परमैंगनेट एंड ग्रिसली दोनों चीज़ आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ चाहिए। उसके बाद जैसे हवन हमने बनाया था तो क्या किया, लकड़ी को लेके पहले मिट्टी का एक नीचे हमने टेबल पे ये बना दिया ताकि जो आँच है वो नीचे ना जाए। और फिर लकड़ी को जैसे यज्ञ हवन करते हैं ना उसी प्रकार से लकड़ी आपको लगा दे दी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और लकड़ी आप बारीक बारीक लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है थोड़ा हल्की मात्रा में, और एक पेपर का मैंने पीस ले लिया है, ठीक है। इस पे मैं डाल रहा हूँ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये रखा है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम थोड़ी मात्रा में इसके ऊपर डाल देंगे पेपर के ऊपर, ठीक है। बस डालने के बाद इसे दोबारा बंद कर देंगे, इसका काम हो गया है। और इसे किसी भी चीज़ से बारीक कर देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस चीज़ से आप इसे बारीक कर सकते हैं, ठीक है। इसका चूरा बना देना है, ओके। अब आपको क्या करना है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये इस हवन के नीचे यहाँ पे ऐसे रख देना है, ठीक है। वो हमने हवन पे रख दे पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने बारीक किया था। अब उसके ऊपर से हमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो है जैसे हवन में रहती है वो लगा देनी है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए उतनी अच्छी तरह से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रिक ही बतानी है। और अब क्या करना है आपको, जो घी होगा आपका, जो हम बोलते हैं कि घी की जो आहुति डाल रहे हैं वो वाली, ठीक है। देखो हमने लकड़ियाँ यहाँ पे लगा दी है कुछ इस प्रकार से। ये लकड़ियाँ पहले से ही सब रेडी रहेगी, पहले से ही हवन पूरा रेडी रहेगा, जो यज्ञ का जो ये चीज़ है ये सब पहले से ही रेडी रहेगी। उसके बाद जो हम बोलते हैं ना घी डाल रहे हैं, ये घी नहीं है, ये ग्रिसलीन है, ठीक है। ये ग्रिसलीन मैंने एक बाउल में ले रखी है और यहाँ पे एक चम्मच दे रखी है और देखने में ऐसा लगता है कि घी है, तो हवन में घी तो जाएगा ही जाएगा। अब जब
पोटेशियम परमैंगनेट और ग्रीसलिन का आपस में मिक्सण होता है तो उसमें एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन से जो है आग प्रकट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट इस हवन में पहले से ही रखा हुआ है, ऊपर से हम ग्रीसलिन डालेंगे जो हम मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमो नमः। और जैसे ही हम ग्रीसलिन डालेंगे तो इसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया है और ये अपने आप ही आग पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको ग्रीसलिन ऐसे डालते रहनी है, ओम भ्यो नमो नमः स्वाहा, और इसका रिएक्शन जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट रहता है और ये आग अपनी ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, ग्रीसलिन एंड पोटेशियम परमैंगनेट जब भी आप आपस में से मिक्स करोगे तो इसके अंदर एक रिएक्शन होगा और वहाँ पे आग आ जाएगी। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे धुआं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग काफ़ी धुआं आना स्टार्ट हो गया है इसकी रिएक्शन से जो है। और पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा रखें ताकि हमारी जो आग है वो जल्दी लग सके, जैसे कि पहले लगी थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे धुआं आना स्टार्ट हो गया है, रिएक्शन स्टार्ट है। ये देखो ऑटोमेटिक ही आग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, जो हमारा ग्रीसलिन है उसको ऐसे डालते रहना है, ओम नमो भ्यो नमो स्वाहा, और अपने आप आपके हवन पे जो है वो आग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही है, बहुत सारे तांत्रिक बाबा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे केमिकल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे नींबू पे चाकू से नींबू काटा उस पर खून आ गया, उसमें भी केमिकल यूज होता है, इसमें भी केमिकल यूज होता है। तांत्रिक लोग, आधा से ज़्यादा तांत्रिक लोग जो हैं केमिकल का यूज करके ही दुनिया का सी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि कैसे बिना माचिस के, बिना लाइटर के, बिना किसी आग के हम हवन को जो है जला सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बाबा लोग ये दावा करते हैं हम हवन को जो है बिना माचिस, बिना आग के उसमें आग प्रज्वलित करेंगे अपने मंत्रों उच्चारण के जरिए, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन होते हैं केमिकल के। तो आई होप कि आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे जान चुके होंगे एंड सीख चुके होंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार मैजिक ट्रिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।